ओम शांति। तो 18 जनवरी 2000 की अव्यक्तवाणी कंटिन्यू करते हैं। ब्रह्मा की तपस्या का फल आप बच्चों को मिल रहा है। तपस्या का प्रभाव इस मधुबन भूमि में समाया हुआ है। साथ में बच्चे भी हैं। बच्चों की भी तपस्या है, लेकिन निमित्त तो ब्रह्मा बाप कहेंगे ना। जो भी मधुबन तपस्वी भूमि में आते हैं तो ब्राह्मण बच्चे भी अनुभव करते हैं कि यहाँ का वायुमंडल, यहाँ के वाइब्रेशन सहज योगी बना देते हैं। योग लगाने की मेहनत नहीं, सहज लग जाता है। और कैसी भी आत्माएं आती है, वह कुछ न कुछ अनुभव करके ही जाती है। ज्ञान को नहीं भी समझते, लेकिन अलौकिक प्यार और शांति का अनुभव करके ही जाते हैं। कुछ न कुछ परिवर्तन करने का संकल्प करके ही जाते हैं। ये है ब्रह्मा और ब्राह्मण बच्चों की तपस्या का प्रभाव। साथ में सेवा की विधि, भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा बच्चों से प्रैक्टिकल में करा के दिखाई, उसी विधि को अभी विस्तार में ला रहे हैं। तो जैसे ब्रह्मा बाप के त्याग, तपस्या, सेवा का फल अब सब बच्चों को मिल रहा है, ऐसे हर एक बच्चा अपने त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाए। जैसे साइंस का बल अपना प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में दिखा रहा है, ऐसे साइंस की भी रचता साइलेंस बल है। साइलेंस बल को अभी प्रत्यक्ष दिखाने का समय है। साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन है मन बुद्धि की एकाग्रता। ये एकाग्रता का अभ्यास बढ़ना चाहिए। एकाग्रता की शक्तियां द्वारा ही वायुमंडल बना सकते हो। हलचल के कारण पावरफुल वाइब्रेशन बन नहीं पाता। बाप दादा आज देख रहे थे कि एकाग्रता की शक्ति अभी ज्यादा चाहिए। सभी बच्चों का एक ही दृढ़ संकल्प हो कि अभी अपने भाई बहनों के दुख की घटनाएं परिवर्तन हो जाए, दिल से रहम इमर्श हो। क्या जब साइंस की शक्ति हलचल मचा सकती है, तो इतने सभी ब्राह्मणों के साइलेंस की शक्ति रहम दिल भावना द्वारा व संकल्प द्वारा हलचल को परिवर्तन नहीं कर सकती? कर सकती है ना। जब करना ही है, होना ही है, तो इस बात पर विशेष अटेंशन दो। जब आप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के बच्चे हैं, आपके ही सभी बिरादरी है, शाखाएं हैं, परिवार है, आप ही भक्तों के इष्ट देव है। ये नशा है कि हम इष्ट देव हैं, कहें हाँ जी बाबा, तो भक्त चिल्ला रहे हैं, आप सुन रहे हो? वो पुकार रहे हैं, हे इष्ट देव, आप सिर्फ सुन रहे हो, उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते हो। बाबा पूछ रहे, रिस्पॉन्ड नहीं करते हो? तो बाप दादा कहते हैं, हे भक्तों के इष्ट देव, अभी पुकार सुनो, रिस्पॉन्ड दो। सिर्फ सुनो नहीं, क्या रिस्पॉन्ड देंगे? परिवर्तन का वायुमंडल बनाओ। आपका रिस्पॉन्ड उनको नहीं मिलता तो वो भी अलबेले हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। ब्रह्मा बाप के हर कार्य के उत्साह को देखा ही है। जैसे शुरू में उमंग था, चाबी चाहिए, अभी भी ब्रह्मा बाप यही शिव बाप से कहते हैं, अभी घर के दरवाजे की चाबी दो। तो बाबा ने मुरली में भी कहा कि एक ही चाबी है, बाबा की याद, और इससे हमें दोनों दरवाजे खुलने का प्रबंध हो जाता है, मुक्ति धाम का भी तो जीवन मुक्ति का भी। लेकिन साथ जाने वाले भी तैयार हो, अकेला क्या करेगा, ब्रह्मा बाबा भी अकेला क्या करेगा, तो भी साथ जाना है या पीछे पीछे जाना है? साथ जाना है ना, दिल से कहे हाँ जी बाबा। तो ब्रह्मा बाप कहते हैं कि बच्चों से पूछा, अगर बाप चाबी दे दे तो आप एवर रेडी हो? एवर रेडी हो या रेडी हो? सिर्फ रेडी नहीं, एवर रेडी। त्याग, तपस्या, सेवा तीनों ही पेपर तैयार हो गए हैं। ब्रह्मा बाप मुस्कुराते हैं कि प्यार के आंसू बहुत बहाते हैं, और ब्रह्मा बाप वो आंसू मोती समान दिल में समाते भी है।
लेकिन एक संकल्प जरूर चलता है कि सब एवर रेडी कब बनेंगे, डेट दे देवे। आप कहेंगे हम तो एवर रेडी है, लेकिन आपके जो साथी है उन्हें भी तो बनाओ, या उनको छोड़कर चले जाएंगे। आप कहेंगे ब्रह्मा बाप भी तो चला गया ना, लेकिन उनको तो ये रचना रचनी थी। ब्रह्मा बाप गया पर अव्यक्त रूप में तो कितनी रचना रची ना। फास्ट वृद्धि की जिम्मेवारी थी। तो सभी एवर रेडी है, एक नहीं सभी, सभी को साथ ले जाना है या अकेले अकेले जाएंगे? तो सभी एवर रेडी है या हो जाएंगे बोलो? कम से कम 9 लाख तो साथ जाएंगे, नहीं हाँ जाएंगे ना 9 लाख कम से कम साथ, नहीं तो राज्य किस पर करेंगे? अपने ऊपर ही राज्य करेंगे क्या? तो ब्रह्मा बाप की यही सभी बच्चों के प्रति शुभकामना है कि एवर रेडी बनो और एवर रेडी बनाओ। आज वतन में भी सभी विशेष आदि रत्न और सेवा के आदि रत्न इमर्ज हुए। एडवांस पार्टी कहती है कि हम तो तैयार है। किस बात के लिए तैयार है? वो कहते हैं ये प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाए तो हम सभी प्रत्यक्ष होकर नई सृष्टि की रचना के निमित्त बनेंगे। हम तो आवाहन कर रहे हैं कि नई सृष्टि की रचना करने वाले आवे। अभी काम सारा आपके ऊपर है, नगाड़ा बजाओ। आ गया हाँ का नगाड़ा बजाओ। भगवान आ गया, मेरा बाबा आ गया, ये नगाड़ा बजाने आता है, बाबा पूछ रहे हैं। बजाना तो है ना। अभी ब्रह्मा बाप कहते हैं डेट ले आओ। आप लोग भी कहते हो ना कि डेट के बिना काम नहीं होता है कोई भी चीज की। जैसे एग्जाम्स की भी डेट फिक्स होती है तो बच्चे सोचते हैं कि भाई उससे पहले जैसी तैयारी, जो तैयारी होगी वो करके देनी है। तो इसको भी डेट बनाओ, इसकी भी डेट बनाओ। डेट बना सकते हो, बाबा पूछ रहे हैं। बाप तो कहते हैं आप बनाओ। बाप कहते हैं आज ही बनाओ। कॉन्फ्रेंस की डेट फिक्स किया है और ये इसकी भी कॉन्फ्रेंस करो ना। विदेशी क्या समझते हैं? डेट फिक्स हो सकती है? डेट फिक्स करेंगे हाँ या ना? अच्छा, दादी जानकी के साथ राय करके करना। दादी जानकी जी से राय करके फिर का विदेशियों को के करना, देश विदेश के। हाँ बाबा कहते हैं अच्छा, देश विदेश के चारों ओर के बाप दादा के अति समीप, अति प्यारे और न्यारे बाप दादा देख रहे हैं कि सभी बच्चे लगन में मगन हो लवलीन स्वरूप में बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं और मिलन के झूले में झूल रहे हैं। दूर नहीं है लेकिन नैनों के सामने भी नहीं, समाए हुए है। तो ऐसे सम्मुख मिलन मनाने वाले और अव्यक्त रूप में लवलीन बच्चे सदा बाप समान त्याग तपस्या और सेवा का सबूत दिखाने वाले सपूत बच्चे सदा एकाग्रता की शक्ति द्वारा विश्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बच्चे सदा बाप समान तीव्र पुरुषार्थ द्वारा उड़ने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी प्यारे मीठे बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। अच्छा कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, मुरली क्लास सुबह 4:45 बजे और अव्यक्त वाणी पर रात्रि क्लास 9:15 बजे। ओम शांति।